वेलकम टू एस सी मास्टर माइंड आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की पोलिटिकल साइंस की फ़र्स्ट बुक का कार्टून एक्सप्लेनेशन तो देखिए कार्टून को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ताकि आप कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और भी अच्छी हो जाए ठीक है लगभग फाइव फाइव मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ठीक है तीन क्वेश्चन होते हैं उसमें पहला जो है वो वन मार्क्स का होता है दूसरा दो मार्क्स का और, और तीसरा भी दो मार्क्स का ठीक है इस तरह से पाँच मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्टून बेस्ड क्वेश्चन अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिए गए कार्टून का मतलब पूछा जाता है ठीक है जो कार्टून में दिखाया गया है उसका क्या मतलब है ठीक है क्या प्रेजेंट करना चाहता है वो कार्टून वो बताना होता है हमें ठीक है उसके बाद देखिए कि दिया गया कार्टून जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ है ठीक है उससे भी कुछ तथ्य या परिभाषाएं पूछी जाती है यानी आपके सामने जो कार्टून रखा गया है वो कौन से टॉपिक से है कौन से चैप्टर से रिलेटेड है तो वो क्या करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ ऐसे तथ्य है या कोई डेट कोई चीज़ जो है वो पूछ लेते हैं ठीक है तो कुछ तथ्य या परिभाषा भी वो पूछ सकते हैं ठीक है ज़रूरी नहीं सिर्फ कार्टून ही पूछें किसी भी टॉपिक से जुड़ा है तो वो उस टॉपिक से डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ सकते हैं ठीक है और परिभाषा तो उस उस कार्टून में होता नहीं है तो वो आपको खुद पता होना चाहिए ठीक है तो ऐसा भी होता है और अक्सर अंतिम क्वेश्चन होते हैं जो जैसा कि मैंने कहा कि तीन क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो ये जो थर्ड क्वेश्चन होता है आपका वो क्या होता है हॉट्स क्वेश्चन होते हैं यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के यानी आपके पास जो नॉलेज है उसको जो है अप्लाई करना है ठीक है इसका जो है आपको खुद सोच कर जवाब देना है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें अपनी समझ के अनुसार आंसर लिखना होता है ठीक है मैं आपको एक कार्टून दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने कहा कि हॉट्स क्वेश्चन होते हैं जैसे ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है ये ठीक है थर्ड क्वेश्चन है और ये जो है फाइव मार्क्स का आता है तो ये देखिए कि लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि सदस्य देशों के बीच संबंधों में सुधार में सार्क की सफलता का आकलन कीजिए ठीक है तो यहाँ पर है जो सार्क की सफलता का आकलन ये आपको खुद पता करना है ठीक है आपने बहुत कुछ पढ़ा है तो आपको क्या लगता है कितना सफल रहा है तो ये आपकी सोच के मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ठीक है यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके कार्टून बेस्ड होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेकिन कभी कभार जो है थर्ड क्वेश्चन वो आपके सोच पर निर्भर हो जाता है कि आप क्या सोचते हो तो अगर आप तथ्य अनुसार आंसर देते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं ठीक है तो इसलिए चैप्टर की नॉलेज भी होना ज़रूरी है ठीक है तो मैंने ये बता दिया कि अंतिम क्वेश्चन जो है वो हॉट्स होते हैं यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल अपने समझ के अनुसार जो इसको आंसर लिखना होता है अब देखिए कि अक्सर किसी चीज़ का नाम जैसे कि व्यक्ति का नाम वस्तु का नाम या देश का नाम ठीक है इन चीज़ों का नाम जो है चित्र में पहले ही होता है ठीक है लेकिन अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो है किस देश से संबंधित हैं ठीक है या फिर ये जो है चित्र में दिखाए गए देशों के नाम बताओ ठीक है ऐसा कुछ पूछा जाता है या फिर ये कौन व्यक्ति हैं तो कई बार जो है चित्र में ही उसका आंसर होता है कार्टून में ही उसका आंसर होता है लेकिन कुछ जो है पहचान नहीं पाते लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो कार्टून है वो है फ्लैग इसमें जो है पूछा जाता है कि ये जो फ्लैग है ये किससे संबंधित है इसमें ऐसा ये सारे चिन्ह क्यों बने हैं ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो झंडा है यानी ये जो ध्वज है ये किससे संबंधित है या ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो झंडा है यानी ये जो ध्वज है ये किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है तो आप इसका आंसर लिखेंगे यूरोपीय संघ ठीक है यूरोपीय संघ का ये झंडा है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस झंडे में बारह सितारे किस चीज़ का प्रतीक है अगर आप इसको गिनेंगे तो आपको कुल बारह सितारे मिलेंगे ठीक है तो ये जो बारह सितारे हैं ये किस चीज़ का प्रतीक है ठीक है तो इसका आंसर ये है बारह की संख्या को यूरोपीय संघ पूर्णता समग्रता और एकता का प्रतीक मानते हैं ठीक है यानी जो बारह संख्या है इसको क्या मानते हैं पूर्णता ठीक है समग्रता और एकता का प्रतीक मानते हैं इसलिए इस झंडे पर बारह सितारे बनाए गए हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस संघ में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए यानी यूरोपीय संघ है तो यूरोपीय संघ में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम लिखने हैं तो आप यूरोपीय संघ के देशों के नाम आराम से याद रख सकते हैं आपको बस ये याद करना है ठीक है यूरोपीय संघ का फिश ठीक है एफ आई एस एच एफ से फ्रांस आई से इटली एस से स्पेन और एच से हंगरी ठीक है तो कभी भी आपसे पूछे दो या चार नाम तो आप फिश याद रखना है ठीक है और फिश से फ्रांस इटली स्पेन और हंगरी ठीक है तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यह कार्टून क्या दर्शाता है ठीक है और हर कार्टून का पहला क्वेश्चन यही होता है कि यह कार्टून क्या दर्शाता है तो तो इसका आंसर है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक, एक साझा संविधान यानी अपना कॉमन संविधान बनाने की कोशिश की थी अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी जिसमें वो असफल हो गए फेल हो गए यह कार्टून उसी घटना को दर्शाने के लिए बनाया गया है ठीक तो है तो समझ में आया ये कार्टून क्या दर्शाता है दो में संविधान बनाने की जो कोशिश की गई थी उसमें जो फेल हो गए थे उसके लिए ये बनाया गया है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज पर पंद्रह सितारों का क्या अर्थ है अभी हमने पिछले कार्टून में बड़ पढ़ा था उसमें जो है बारह सितारे थे लेकिन यहाँ पर इस जहाज वाले में पंद्रह सितारे हैं। अगर आप गिनेंगे तो पंद्रह सितारे मिलेंगे आपको तो पंद्रह सितारों का क्या मतलब है तो देखिए कि उस समय क्या था कि जब यूरोपीय यूनियन बना था यूरोपीय संघ बना था तब पंद्रह देश शामिल थे ठीक है तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है पंद्रह देशों को दिखाने के लिए ये पंद्रह सितारे बनाए गए थे तो इसका आंसर होगा तो आपको यहाँ पर लिखना है कि पंद्रह सितारों का प्रयोग यूरोपीय संघ में शामिल पंद्रह देशों को दर्शाने के लिए किया गया है ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ कि पंद्रह सितारे की जगह बारह सितारे ही बने रहने दिया ठीक है क्यों क्योंकि देखिए सदस्य जो है वो तो जुड़ते जा रहे थे तो कब तक सितारे बढ़ाते ठीक है सदस्य नए नए जुड़ते जा रहे थे लेकिन इन्होंने क्या किया बारह सितारे ही रहने दिया अब बारह सितारे क्यों क्योंकि इसको पूर्णता समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता था तो इस प्रतीक के लिए इन्होंने सिर्फ बारह सितारे रहने दिया भले ही सदस्य कितने भी हों ठीक है तो इस चीज के लिए इन्होंने बारह सितारे ही उसके बाद से रखना शुरू कर दिया लेकिन पहले क्या था पंद्रह सितारे ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टूनिस्ट ने ये जो कार्टूनिस्ट है उसने जहाज के चित्र का इस्तेमाल क्यों किया ये जो जहाज आपको दिख रहा है ये टाइटैनिक है तो इसका इस्तेमाल क्यों किया तो आंसर आपको लिखना है कि कार्टूनिस्ट ने जहाज के चित्र का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो यूरोपीय संघ को दिखा सके ठीक है तो यूरोपीय संघ को दर्शाने के लिए कार्टूनिस्ट ने जहाज का प्रयोग किया है ठीक है अब एक और बात याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये तो शायद हमेशा पूछा जाए ठीक है ये तो हमेशा पूछा जाएगा लेकिन इसके अलावा कोई और क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं ठीक है क्या दर्शाता है ये तो हर बार पूछा जाता है लेकिन इसके अलावा जैसे पंद्रह सितारे हैं इसकी जगह आपसे ये पूछ लिया कि आसपास जो है वो पहाड़ों को क्यों दिखाया गया ठीक है छोटे छोटे चट्टानों को क्यों दिखाया गया ठीक है चट्टानों को क्यों दिखाया गया तो ये जो चट्टान है ये एक तरह से समस्याएं हैं जो यूरोपीय संघ के सामने आती रही हैं ठीक है ठेके? ये जो समस्याएं हैं ये यूरोपीय संघ के सामने हर बार आती रही है क्योंकि सदस्य देशों के बीच अक्सर अनबन हो जाती थी तो ये जो चट्टाने हैं वो दिखाया गया एक तरह से समस्याओं के रूप में ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे अब देखिए इसी कार्टून से एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जहाज को यूरोपीय संघ के रूप में दिखाया गया है यानी ये जो जहाज़ है वो किस प्रकार का है कौन सा जहाज़ है ये तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए टाइटैनिक जहाज़ का उपयोग किया गया है यूरोपीय संघ को दर्शाने के लिए ठीक है अब देखिए नेक्स्ट है आशियान का झंडा ठीक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही चित्र देंगे लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया आसियान का झंडा ये ठीक है अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ध्वज यानी झंडे में मौजूद धान की दस बालियाँ किसका प्रतीक है यानी अगर आप गिनेंगे इसे तो ये जो है धान की दस बालियाँ तो ये दस बालियाँ किस चीज़ का प्रतीक है तो आपको ये लिखना है कि आसियान में ठीक है ये आसियान का झंडा है तो आसियान में शामिल दस देशों का प्रतीक है यानी कि आसियान में शामिल दस सदस्य देशों का प्रतीक है ये दस बालियाँ ठीक है यानी आसियान में केवल दस देश शामिल है ठीक है तो इन दस देशों को दिखाने के लिए क्या किया गया इस झंडे में दस धान की बालियाँ लगाई गई है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई यानी आसियान जो है उसकी स्थापना कब हुई कब स्टैब्लिश हुआ तो आसियान जो है वो उन्नीस में स्थापित हुआ था ठीक है तो आशियान जो है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में देखा यहाँ पे फैक्ट पूछ लिया ना आपसे एक 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 बात पूछी आपसे यानी झंडे के बारे में कुछ नहीं पूछा डायरेक्ट आपसे पूछ लिया आसियान के बारे में तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है ठीक है कि आपके सामने कार्टून हो या कोई भी चित्र हो तो उससे उसके बारे में तो पूछेंगे इसके अलावा वो उस टॉपिक पर पहुँच जाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछेंगे ठीक है तो यहाँ पर आसियान के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया ठीक है अब देखिए आसियान शैली क्या है यहाँ पे एक परिभाषा पूछ ली आपसे आसियान शैली क्या है तो आशियान शैली क्या है ये मैं आपको बताता देखिए आसियान शैली एक अनौपचारिक टकराव रहित और मेल मिलाप के तरीके को ठीक है एक बार फिर से अनौपचारिक टकराव रहित और मेल मिलाप के तरीके को आसियान शैली कहा जाता है ठीक है आपको ये लिखना है उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया ऑप्शन में दे दिया या मान लीजिए यही क्वेश्चन हटा होता डायरेक्ट यही पूछ लेते पेपर में तो आपको क्या बताना होता है देखिए क्वेश्चन क्या है किन्हीं दो आसियान देशों के नाम लिखिए ठीक है थीके? दो आसियान देशों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर आप आसानी से नाम बता सकते हैं ठीक है थीके? आपको नाम ये तो आसानी से याद हो ही जाते हैं इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर फिलीपींस थाईलैंड ठीक है तो इंडोनेशिया मलेशिया भी याद रखिए तो आसान है इंडोनेशिया मलेशिया ठीक है तो देखिए पहला कार्टून है और इससे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह के कार्टून में ठीक है और ये जो कार्टून है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी है तो ये कार्टून कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं ठीक है और सेम यही उसका क्वेश्चन है देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है तो देखिए क्या आंसर बनता है इसका दर्शाया गया कार्टून किस देश से संबंधित है यानी ये जो कार्टून दिखाया गया ये किस देश से संबंधित है ठीक है तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि चीन से ठीक है ये जो है किससे संबंधित है तो चीन से तो आप यहाँ पे लिखेंगे चीन अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश की पहचान करने में सहायक है यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से दो प्रतीक है ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जो आपको पहचानने में मदद कर रहे हैं कि ये कौन सा देश है आपको मदद कर रहे हैं आपको पता चल जाता है कि ये जो है चीन से जुड़ा हुआ है कैसे जान गए वो दो प्रतीक कौन से हैं तो देखिए सबसे पहला प्रतीक है चीन का ड्रैगन ठीक है चीन का ड्रैगन और इसके पीछे जो ये जा रही है ये है दीवार चीन की महान दीवार ठीक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो ये दोनों कहाँ हैं चाइना में तो इससे पता चलता है कि ये जो कार्टून है कहाँ का है किस किस चीज़ को दर्शाता है तो चीन को ठीक तो आप लिखेंगे ड्रैगन या चीन की दीवार ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है तो यह जो कार्टून है यह क्या संदेश दे रहा है ठीक है तो देखिए कि कितनी स्पीड से ये जो है विश्व के नक्शे पे इसको दिखाया गया है कि कितनी स्पीड से ये बढ़ रहा है ठीक है तो ये जो है क्या बता रहा है चीन की बढ़ती हुई ताकत ठीक है तो आप लिखोगे चीन की उभरती हुई आर्थिक शक्ति को दर्शाने के लिए जो है ये कार्टून बनाया गया है यानी ये क्या संदेश देता है दुनिया को क्या संदेश देता है चीन की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति यानी जो आर्थिक रूप से चीन बहुत ताकतवर होता जा रहा है दिन ब दिन तो वही दिखाया जा रहा है ठीक है कि किस तरह से ये विश्व में शक्तिशाली बनता जा रहा है और आर्थिक रूप से मजबूत बनता जा रहा है ठीक है तो देखिए अब नेक्स्ट कार्टून है और ये क्वेश्चन पेपर से लिया गया है ठीक है इसमें कार्टून में दिखाया गया तब और अब ठीक है यानी तब जो है ये चीन से जुड़ा हुआ है ठीक है तो चीन में तब कैसा शासन था और किस तरह की आर्थिक नीति इन्होंने अपना रखी थी शुरुआत में लेकिन आज के समय में इसकी क्या आर्थिक नीति है वो अब में दिखाया गया ठीक है इस कार्टून में दिखाया गया ठीक है यहाँ पर लाल टाई पहन रखी है इन्होंने ठीक है तो यही दिखाया गया यहाँ पर कि किस तरह से अब जो है कितना चाइना अलग हो चुका है और लगभग पूंजीवाद की ओर ही ये जो है कदम बढ़ा चुका है ठीक है तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए शुरुआत में तब में क्या था समाजवाद अपना रखा था चाइना ने लेकिन अब क्या है लगभग पूंजीवाद ठीक है पूंजीवाद की ओर इसने कदम बढ़ाया है चाइना ने तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोनों कार्टून किस देश से संबंधित है तो दोनों कार्टून किस देश से चीन से अंदाजा कैसे लगेगा देखिए शुरुआत में माओ का शासन था बाद में हु ठीक है बाद में जो है हु का शासन था तो उसके इससे अंदाजा लग जाएगा कि ये जो है चाइना से संबंधित है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तब और अब के बीच इस देश की आर्थिक नीति में कोई दो अंतर ठीक है यानी कि शुरुआती समय में चाइना की कोई दो आर्थिक नीति क्या थी वो लिखना है हमें और अब कोई दो आर्थिक नीति लिखनी है जो अब के समय में अपना रखी है यानी तब क्या था और अब क्या था कोई दो अंतर बताने हैं ठीक है तो क्वेश्चन में यही बताया गया तो देखिए पहले क्या था कि शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था थी लेकिन अब क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था है यानी इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई है तो पहला पॉइंट ये हो गया अब दूसरा अंतर आप ये लिखेंगे कि पहले कृषि का निजीकरण नहीं किया गया था परंतु अब कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्टून में दर्शाए गए परिवर्तन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाया यानी कि पहले समाजवाद अपना रखा था तो इस चीज को छोड़ के उन्होंने पूंजीवाद की वो जो कदम बढ़ाया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचा तो हम लिखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण चीन उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया ठीक है इतनी ज्यादा तेजी से विकास करने लगा कि एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया ठीक है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दो तक ये विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे अब देखते हैं नेक्स्ट कार्टून देखिए ये कार्टून भी कई बार रिपीट होता है ठीक है और ये क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया देखिए अट्ठाईसवा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पेपर में तो देखिए यह है चीन की साइकिल ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन है कि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया है यानी चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को ही क्यों चुना गया है तो आप इसमें लिखेंगे कि चीन को साइकिल के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल का प्रयोग चीन में किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल के दो पहियों के भीतर चिन्ह क्या दर्शाते हैं यानी ये जो दो चिन्ह हैं ठीक है दोनों पहियों के में तो ये दोनों चिन्ह क्या दर्शाते हैं ठीक है तो देखिए इसमें दो पॉइंट लिखने इस क्वेश्चन का आंसर जो है दो पॉइंट्स में देने ठीक है क्योंकि दो मार्क्स का है ठीक है तो देखिए दो पॉइंट्स में सबसे पहले आपको लिखना है कि साइकिल के अगले पहिए में हथौड़े और दराती ठीक है ये जो आपको दिख रहा है ये हथौड़े का है और ये जो है दराती ठीक है दराती का चिन्ह है जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाता है ठीक है वही साइकिल के पिछले पहिए में डॉलर का चिन्ह है जो कि पूंजीवादी दुनिया को दर्शाता है ठीक है ऐसे लिखेंगे आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि क्या दर्शाता है तो पहला चिन्ह समाजवाद को दर्शाता है ठीक है ये जो आगे का पहिया है ये क्या दर्शाता है समाजवाद को और वहीं दूसरा चिन्ह पूंजीवाद विचारधारा को दर्शाता है कि दिए गए चित्र जो है वो किस संदेश को दर्शाता है ठीक है चित्र द्वारा क्या संदेश दिया गया है तो आप लिखेंगे कार्टून में यह दर्शाया गया है कि, कि किस तरह से चीन दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है और कार्टून में साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाने का प्रयास किया गया है ठीक है तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे उसके बाद देखिए नेक्स्ट कार्टून है सार्क समिट से संबंधित ठीक है और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का विस्तृत रूप लिखिए ठीक है विस्तृत यानी फुल फॉर्म लिखना है आपको ठीक है राइट द फुल फॉर्म ऑफ सार्क यानी एस ए ए आर सी ठीक है इसका फुल फॉर्म लिखना है आपको तो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल Cooperation, ठीक है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल Cooperation. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है ठीक है यानी ये जो कुर्सियाँ आपको दिख रही है पाकिस्तान की और इधर इंडिया की ठीक है भारत की तो उनकी कुर्सी की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है ठीक है आप देख सकते हैं ये जो स्थिति बनी हुई है कुर्सी की इससे क्या पता चलता है क्या संदेश मिलता है तो आप लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच के नकारात्मक संबंध को या ये लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विरोधात्मक संबंध यानी एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदस्य देशों के बीच संबंध को सुधारने में सार्क की सफलता का आकलन कीजिए यानी कि ये जो आपको देश दिख रहे हैं इनके बीच में संबंध को सुधारने में सार्क कितना सफल हो पाया है इस चीज का आकलन कीजिए तो आप आंसर लिखेंगे कि सार्क एक ऐसा मंच है जो सदस्य देशों को आपस में व्यापारिक सांस्कृतिक सामाजिक विकास का अवसर प्रदान करता है ठीक है यानी उनके बीच में संबंध सुधारने का सबसे अच्छा मौका क्या दिया कि सार्क एक ऐसा मंच हो गया जहां सदस्य देश क्या करेंगे आपस में व्यापार करेंगे व्यापारिक समझौते करेंगे सांस्कृतिक सामाजिक विकास कर सकेंगे इससे क्या होगा इनके बीच संबंध अच्छे होंगे ठीक है तो यही प्रयास किया जा रहा है सार्क का ठीक है तो यही प्रयास है सार्क का ठीक है तो यही क्वेश्चन है कि सदस्य देशों के बीच संबंध सुधारने में सार्क की सफलता यानी कितना सफल है सार्क उसका आंकलन कीजिए ठीक है तो सार्क एक ऐसा मंच है जो सदस्य देशों को आपस में व्यापारिक सांस्कृतिक सामाजिक विकास का अवसर प्रदान करता है ठीक है अभी भी करता है ठीक है अगला कार्टून जो है वो ग्लोबलाइजेशन से है यानी कि वैश्वीकरण से पहला क्वेश्चन है यह कार्टून क्या दर्शाता है यानी कार्टून जो है वो इसका अर्थ क्या है तो दिया गया कार्टून वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाता है जिस कारण पहले और आज की स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया है ठीक है ये देखिए यहाँ पर आ, कल के बारे में बताया गया कि जल्दी अपना खाना खत्म कर लो वरना चीन और भारत के लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे ठीक है ये कल की बात थी मतलब बीते बहुत साल पहले की लेकिन आज के समय में जब ग्लोबलाइजेशन आया है उसकी वजह से अब क्या हुआ है अपना होमवर्क जल्दी पूरा कर लो वरना चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे अब क्या हो गया कि एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर नौकरी कर सकता है ठीक है तो ये क्यों हुआ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया ठीक है तो यही बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाता है जिससे पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कुछ ज्यादा ही अंतर आ गया है ठीक है उसका देखिए लिखा है कार्टून में शीर्षक कल क्या दर्शाता है यानी ये जो कार्टून में लिखा कल है इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है कि विकासशील देशों की निम्न आर्थिक विकास के कारण भुखमरी की समस्या को दर्शाया गया है ठीक है की स्थिति को दर्शाया गया यानी कि जो कल है वो बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले कुछ देश जो है वो विकासशील थे और अपनी निम्न आर्थिक विकास के कारण यानी उनकी जो है आर्थिक विकास नहीं हो पा रही थी इस वजह से उन देशों में थोड़ी बहुत भुखमरी की समस्या थी उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है ठीक है और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्टून में शीर्षक आज क्या दर्शाता है तो यहाँ पर आपको लिखना है वैश्वीकरण ने देशों के बीच अवसर और रोजगार के द्वार खोल दिए है ठीक है वैश्वीकरण आते क्या हुआ है एक देश से दूसरे देश के बीच में अवसर और रोजगार के जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं कोई भी कहीं भी अपने जो है नौकरी कर सकता है जिस कारण अब कोई अन्य देश का नागरिक दूसरे देश में रोजगार पा सकता है इसी चीज को आज में दर्शाया गया है क्लियर है तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे